कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार से नूडल्स के कबाब। अब आप सोचेंगे नूडल्स के कबाब वो कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से बनाए थे। ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले वेजिटेबल्स ले ली थी, उसमें मैंने लिए थे गाजर ली थी और बंद गोभी ली थी, जिसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया था और बंद गोभी को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक पाव आलू और यहाँ मैंने नूडल्स ले लिए हैं जिसको मैंने बॉईल कर लिया। इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है आपने कि ये बिल्कुल ही पिलपिली से होकर एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है। उसके बाद हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं हरा धनिया लिया मैंने यहाँ पर। हरा धनिया जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। यहाँ पे मैंने एक पाव चिकन लिया है जिसको मैंने बॉईल करने के बाद उसके रेशे कर लिए थे। रेशे करने के बाद मैंने अब इसके अंदर डाले थे मसाले। तो मसाले जो हैं वो डालने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो मैंने नूडल्स यूज़ की थी ना वो ये मारियोस पास्ता यूज़ किया था। अब इसके अंदर ना ये 2-in-1 होता है, इसके अंदर एक मसाला आता है। अब मैंने इसके अंदर वो मसाला यूज़ किया था। अगर आपको ये मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच वो लिया था, 1 चम्मच काली मिर्च ली यहाँ पे, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने दाढ़ मिर्च ली थी, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च और नमक लिया था 1 चम्मच मैंने। ये सारे मसाले जाएंगे हमारे कबाबों के अंदर, तो आए इसको बनाना शुरू करते हैं। उस प्याज ले ली थी यहाँ पे मैंने, ऑयल मैंने डाल लिया हुआ है, गर्म कर लिया। इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी, इसको अच्छे तरीके से सोते कर लूँगी, 2 से 3 मिनट पकाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। मैंने इसको हल्का सा मैंने नरम करना है। नरम करने के बाद जो है मैं एक एक करके इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी अपनी। वेजिटेबल्स को मैं अच्छे तरीके से सोते कर लूँगी, जिसमें मैंने पहले यहाँ पे गाजरें ऐड किए हैं, उनको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पकाया है। उसको पकाने के बाद मैंने यहाँ बंद गोभी ऐड कर दी थी। बंद गोभी ऐड करके इसे भी मैंने उसी तरीके से 2 से 3 मिनट पकाया ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए, कबाबों में बहुत खड़ी फील ना हो। अब यहाँ पे जो हमने मसाले लिए थे उनको ऐड कर देंगे। मसालों को ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे कोई 2 से 3 मिनट, ताकि जो मसाले हैं वो भुन जाएं, इसके अंदर कच्चे ना रहे। मसालों की भुनाई के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना जो चिकन हमने लिया था। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट और पकाना है, मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि जो स्पाइसेस हमने यूज़ किए हुए हैं वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। इसके अंदर आप जितने ज़्यादा वेजिटेबल्स डालेंगे ना जो आपके कबाब हैं वो उतने ही जूसी बनेंगे। तो ये भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सिर्फ वेजिटेबल्स ही ऐड कर देने हैं, मतलब आपने जो चिकन लिया है या फिर जो आलू लिया ना उससे ज़्यादा आप लें बाकी की चीज़ें। इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैंने आलू मैश करके उसके अंदर ऊपर जो है वो नूडल्स डाले, उसके ऊपर मैंने ये जो मसाला बनाया था अपना वेजिटेबल वाला वो डाल के हरी मिर्चें और मैंने धनिया डाल लिया। इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, और नूडल्स को हमने ना मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा दबा लेना है ताकि वो अच्छे तरीके से कबाब बन सके। उसके हाथों को आप थोड़ा सा गीला कर लें पानी की मदद से, और उसके बाद उसके कबाब बनाना शुरू करें। इस तरीके से आप कबाबों को शेप दे लें। अब यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँगी कि आप इनको स्टोर किस तरीके से कर सकते हैं ज़्यादा देर। तो आप उसके लिए जो है इनको अंडा लगा के ब्रेड क्रम्स में जो है कोट कर लें, और कोट करने के बाद इनको आप जो है थोड़ी देर फ्रिज में रखें, और उसके बाद अगर आपने इसको फ्रीज़र करना है तो उसको आप आराम से फ्रीज़र कर सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में डाल के। तो अब इनको मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स वाली भी ली हैं और सिंपल अंडे के साथ भी बनाई हैं। एक एक करके आप इनको तवे पे डाल लें, अच्छे तरीके से फ्राई करना है इनको गोल्डन होने तक। बहुत ही एहतियात से आपने डालनी है इनको। ये देख लें मैंने यहाँ पे सारी डाल ली थी, उसके बाद इनको गोल्डन कलर आने तक हमने पकाना है। यहाँ कबाब हमारे बन के तैयार हैं, तो इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही झटपट बनने वाला स्नैक है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। सारी चीज़ें बॉईल की हों आपने तो इनको अच्छे तरीके से आप 5 से 10 मिनट में ही कबाब बना लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।